नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा रेलवे स्टेशन से गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन तक 20 किलोमीटर का आज रेलवे ने ट्रायल किया। बकायदा ट्रेन चली इस रूट पर 15 किलोमीटर की स्पीड से। ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन के मध्य पड़ने वाला ये स्टेशन रीवा से 20 किलोमीटर आगे तक का लगभग पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। रेलवे प्रशासन इस पर अपनी ट्रेन चलाना चाहता है, लेकिन इस रूट पर किसान पिछले कई दिनों से लगातार अनशन कर रहे हैं। इस समय अमरण अनशन में बैठे हुए हैं। एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया उनको अमरण अनशन में। किसानों का कहना है, कुछ लोगों को नौकरी दे दी, कुछ को नहीं दी। जमीन लेते समय कहा था नौकरी मिलेगी, लेकिन अब रेलवे अपने दावे से मुकर रहा है। किसानों का कहना है, जब तक हमको नौकरी नहीं मिलेगी हम अपना अमरण अनशन नहीं तोड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर रेलवे भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। वो ये चाहता है कि हर हालत में ट्रेन हम रीवा से गोविंदगढ़ तक चला दें, जिसके चलते धारा 144 लगाकर पटरी के दोनों ओर ट्रेन का आज बकायदा निरीक्षण हो गया, परीक्षण हो गया। अब माना जा रहा है निकट भविष्य में इस रूट पर रेगुलर ट्रेन भी चलने लगेगी। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।